जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि हमें जो है सेंटर प्रेफरेंस का कुछ आइडिया दीजिए, हमारा 2024 का 25 का जो सेकंड इंटेक है उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि हमें जो है सेंटर्स कौन सा भरें, नॉर्थ वाले भरें, अम्बाला भरें, या फिर जो है ताम्बरम जो हमारा बेंगलोर है साउथ साइड के अंदर वो भरें। तो सभी चीज़ें देखो मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा आइडिया और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अम्बाला है, बीटा, कानपुर, सभी सेंटर्स के बारे में। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छे से मेरी बातों को सुने। दूसरी चीज़, मुझे देखो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं यहाँ पर स्लाइड वगैरह ड्रॉ करूँ, यहाँ पर जैसे मान लो कि अम्बाला है, कानपुर, इन लोगों इनकी मतलब ऐसे स्लाइड वगैरह ड्रॉ करके फिर बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है कि मेरी बातों को देखिए, सुनना है, वहीं से जो है आप लोगों को पूरी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन मतलब दूंगा, ठीक है। तो केवल जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनेंगे आप, तभी जो है आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो देखो आपको फिर आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी चीज़, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जितने भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, वो लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वाई यू द ग्रुप, इसकी भी लिंक है, और ये टेलीग्राम चैनल है संदीप ऐप नाम से, ये जरूर ज्वाइन कर लेना आप। यहाँ पर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पर डाल दिया करूँगा, ऑलरेडी डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है मैं दो कैटेगरी में जो है यहाँ पर सेंटर्स को डिवाइड करूँगा, एक तो आपका नॉर्थ, एक करूँगा मैं साउथ। अब साउथ के अंदर देखो कौन कौन से हैं, साउथ के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाला भी आ जाएगा, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, वो भी आ जाएंगे सभी सेंटर्स, तो वो मैं इसके अंदर डिवाइड करूँगा। इधर नॉर्थ में आ जाएंगे अम्बाला, जोधपुर है, बीटा, कानपुर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करके फिर जो है आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, आप लोगों को जैसे सेकेंड बैच में है जिन लोगों का फेज़ टू, उन इसके अंदर जैसे आपका बैरकपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, ये सेंटर्स जो है उसके अंदर है सेकेंड बैच के अंदर, तो उनका भी जो है आपका मतलब होंगे सेकेंड बैच में होंगे इनका फेज़ टू, दो बैच में हो रहा है अभी फेज़ टू, आप लोगों को आइडिया है ही, तो इनका होगा तो उनका भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। इसी भी सभी सेंटर्स का लेंगे मतलब साथ के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्थ वालों को बता देता हूँ आप लोगों की, नॉर्थ वाला का क्या सीन है। नॉर्थ के अंदर देखो मैं बता देता हूँ, एक तो अम्बाला, जोधपुर, बीटा, कानपुर और जो है आपका दिल्ली, कितने सेंटर हो गए, तीन और दो पांच सेंटर हो गए, ये नॉर्थ कैटेगरी में आएंगे, मतलब इनका मोस्टली चीज़ें सेम है। सेम देखो किस किस बेस पर होगा आपका, ये तो देखो फिजिकल, फिजिकल अंदर तीन चीज़ें आप लोगों को बताइए, ठीक है, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स और रनिंग। रनिंग तो देखो सेम है सबको, बॉयज़ को 7 मिनट मिलेंगी और गर्ल्स को जो है आपकी 8 मिनट मिलेंगी, ये आप ध्यान रखना, पूरी की पूरी मिलेंगी। अगर किसी को ये डाउट हो कि नहीं पूरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, तो जो आप इस चीज़ इसकी वो दिक्कत में ना रहें, आपको पूरा टाइम मिलने वाला, ठीक है ना। आपको 7 मिनट गर्ल्स का मिलेगा और जो है बॉयज़ को 7 मिनट बॉयज़ को मिलेगा, 8 मिनट गर्ल्स को मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ पुशअप्स का, कि पुशअप्स में कितना होल्ड होता है। देखो होल्ड की अगर आप जो है डर के ज़्यादा, देखो अभी क्या है कि डर का माहौल बना देते हैं लोग रिव्यू के बेस पर, कि जैसे कानपुर है तो कानपुर में होल्ड ज़्यादा करवाते हैं, जोधपुर में बहुत ज़्यादा होल्ड करवाते हैं। देखो होल्ड करवाने का सीन आप अगर समझेंगे, आप मेरे पहले भी वीडियो देखते होंगे, तो उसके अंदर ये सीन है कि होल्ड तब कराया जाता है कि जब उनको लड़कों को आउट करना हो, लड़के ज़्यादा आगे तो वो क्या है कि होल्ड ज़्यादा बढ़ाते हैं, और उनको क्योंकि फिक्स रेशियो रहता है 180 के आसपास डेली सेलेक्ट करना, 450 के आसपास रिपोर्टिंग होती है, तो उसके हिसाब से उनको जो है डेली सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तब जो होल्ड बढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मान लो कि एक दो सेकेंड किसी बैच में बढ़ा भी दिया, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि इस बार जो फेज टू अभी स्टार्ट हो रहा है 2025 वाले का, तो उसका देखो सीन ऐसा है कि आपका 23 से स्टार्ट हो रहा है, 23 जुलाई से, तो 23 जुलाई से जैसे 23 को है, फिर 24 को है, 24 को नहीं 25 को है, फिर 27 28 ऐसे है, फिर 30 को है, तो ऐसा इतने बैच में लगेगा। तो किसी बैच में मान लो कि हल्का सा उन्होंने होल्ड करवा दिया, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो सेंटर बेकार है, ठीक है ना, इसमें डरने की चीज़ नहीं है। तो होल्ड बिल्कुल इतना खास कुछ होता नहीं है, आप आराम से कर लोगे। दिक्कत इतनी चाहिए कि जैसे मान लो कि किसी से पुशअप लगाई नहीं जाती इसी तरीके से, उनको थोड़ा सा सोचने के विचार है। तो आप लोगों का जो है यहाँ पर नॉर्थ वाले कैटेगरी में क्या है कि रनिंग का आपको पूरा टाइम मिलेगा, पुशअप्स में जो है होल्ड हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान के रखना, होता नहीं है बट हो सकता है, इस चीज़ का आप दिमाग में ध्यान रखना कि हो सकता है। आपका सेटअप और स्क्वाड सेम होती है, वो आप लोगों को पता है, उसका कोई खास इश्यू नहीं है। और आप यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, पुशअप्स का भी बना रखा है, सेटअप का भी, स्क्वाड्स का भी, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो कैसे क्या लगानी होती है, ठीक है ना। तो आपका क्या फिजिकल के बेस पर हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जीडी के बेस पर। फिजिकल हो गया, अब जीडी हो जाएगा और एक मेडिकल, तीन बेस पर हम करेंगे बात। अब देखो बात ऐसी है कि नॉर्थ वाले रीजन के अंदर जो जीडी हमारा, जो आपका अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका कानपुर वाला है, एक मिनट, कानपुर का जो सेंटर है वो काफी जो है आपका मतलब जीडी के बेस पर, कि कानपुर में हार्ड होता है, जोधपुर में आता है, वही आपका पुशअप्स की वाली बात आ जाती है कि इस तरीके से देखो रिव्यू है इनका।
तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि रिव्यू मिलता है तो वो क्या मिलता है कि मान लो कि कुछ शिप्स में एक बार होल्ड करा दिया हल्का से एक बैच में, तो वो पूरे उस सेंटर्स को बोल देते हैं वो तो हार्ड है ये। जैसे कानपुर के अंदर मान लो कि आपका जीडी है, तो जीडी के अंदर हल्का सा उन्होंने जो है मान लो कि एक दो बंदों को आउट कर दिया ज्यादा, तो जो है वो लगता है कि अरे वो तो हार्ड सेंटर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है कि मतलब जीडी जो है एकदम नॉर्मल होता है, नॉर्मल समझ रहे हैं ना आप, कि आप लोगों को बोलना पड़ेगा एक दो बार। अगर आपने मेरे जीडी के वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जीडी के अंदर आपको जो है एक दो बार पार्टिसिपेट करना होता है, इंटरवल अच्छे से बोलना होता है और अदर एक्टिविटी नहीं करनी कुछ भी, जैसे हाथ पैर हिला रहे हैं आप लोग, ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, या फिर कोई किसी को बीच में बोल रहे हैं, या फिर ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे इस तरीके की अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो जो है आप लोगों के आउट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज तो देखो आउट किसी को नहीं करते, सबको सिलेक्ट करते, चाहे वो कोई सा ही हो, आपका अम्बाला हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सॉरी बीटा हो, कानपुर, कोई सा सेंटर हो, ठीक है ना। तो ये मैंने जीडी का ही बता दिया आपको कि जीडी देखो नॉर्मल है और जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे वहाँ पर नहीं जाएंगे तब तक आपको जो है पता नहीं चलेगा कि कैसा कैसे है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, देखो एक फाइनल जो चीज़ है आपकी मेडिकल, मेडिकल का देखो ये सीन है कि नॉर्थ वाले रीजन में मेडिकल बहुत अच्छा खासा होता है। मैंने क्या बताया आपको कि पुशअप्स और जीडी, फिजिकल के अंदर पुशअप्स और जीडी, ये दो जो चीज़ है इनके अंदर आपको जो है थोड़ी कठिनाई मिल सकती है इन सेंटर्स के अंदर। कौन कौन से? अम्बाला, जोधपुर, बीटा, कानपुर और दिल्ली, इन सेंटर्स पर आपको हल्की सी दिक्कत मिल सकती है। किसमें? पुशअप्स, मतलब फिजिकल में पुशअप्स के अंदर आपका चाहे सेटअप हो चाहे स्क्वाट्स हो, और जीडी में हल्की सी आपको दिक्कत मिल सकती है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेडिकल की, मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो देखो मेडिकल जो आपका और री मेडिकल, ये दोनों बहुत अच्छे खासे होते हैं यहाँ पर। जैसे जो कानपुर है देखो, तो कानपुर का एक तो होता है यहाँ पर आपका वो बरेली साइड होता है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट जो आपका मेडिकल होता है तो वो हल्का सा कानपुर वाले सेंटर्स पर जो है हल्का सा दिक्कत हो सकती है। बट मेडिकल मोस्टली जैसे आपका अम्बाला है, जोधपुर है, यहाँ पर री मेडिकल भी बहुत अच्छे खासे क्लियर होते हैं आपका, ठीक है ना। तो मेडिकल और री मेडिकल ये दोनों अच्छे खासे क्लियर होते हैं नॉर्थ साइड के अंदर, आपका चाहे कानपुर ले लो और चाहे आपका जो है हम स्पेशली देखो मैं बात कर दूँ जोधपुर और अम्बाला, ये दो सेंटर्स तो ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल और जो है आपका री मेडिकल दोनों बहुत अच्छे खासे होते हैं, मतलब आराम से आप जो है क्लियर कर लोगे। अगर आपको मेडिकल में लगता है ना आपको जैसे ECG है और आपका जो है मान लो कि और कोई एक्सरे वगैरह है, आई का है, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर जो है अच्छी खासी क्लियर होते हैं। बट जो कानपुर वाला है तो देखो कानपुर का दो सेंटर्स दो बार से मैं देख रहा हूँ, मेडिकल थोड़ा सा अजीब है, तो कानपुर को आप थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करें। कानपुर के अलावा अगर आप बीटा, दिल्ली, अम्बाला वगैरह डाल दें तो आई थिंक बेटर रहेगा। बट ऐसा भी नहीं कि कानपुर केवल आउट करते हैं, बट इसका थोड़ा सा गंदा रिव्यू है, ये मैं सीधी बात बता दूँ आपको, ठीक है ना। तो कानपुर का थोड़ा सा आप देखना, फिजिकल का भी थोड़ा सा ये, तो कानपुर काफ़ी इस बार पहले एक टाइम था जब जोधपुर का काफ़ी गलत रिव्यू था, बट इस पर टाइम पर टॉप कानपुर कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है सीन इसका, ठीक है ना। तो कानपुर थोड़ा सा आप देखना कि इस पर मेडिकल का भी थोड़ा सा इश्यू है और जो है आपका पुशअप सेटअप स्क्वाट्स इनका भी थोड़ा सा है। तो कानपुर जो मैं नॉर्थ रीजन के अंदर कानपुर को माइनस में पॉइंट दूंगा और प्लस पॉइंट दूंगा मैं आपको अम्बाला और जो है जोधपुर और आपका बीटा, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से ये सेंटर से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ आएंगे देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको, और अगर आपको देखो वैसे और कोई आपका ऐसे हो कि नहीं नहीं हमें तो कुछ परफेक्ट ही चीज़ें बता दी जाएँ, तो देखो भाई परफेक्ट चीज़ें कुछ नहीं होती, जब तक आप जाओगे नहीं, आप वहाँ पर क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। केवल मात्रा में आपको आइडिया दे रहे हैं, वो भी आपको आपके रिव्यू के बेस पर, हालांकि एक टाइम है भी आपको देखो ऑनलाइन चीज़ें आ गई तब आपको इतनी चीज़ें तो मिल रही हैं कम से कम। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो ऐसे ना सोचें आप कि हमें तो कुछ ये नहीं बताया वो नहीं बताया, क्योंकि कुछ लोगों की ये होती है कि नहीं हमें तो कुछ अलग ही बताओ, कि मुझे तो बस जीडी क्लियर ही करना है, परफेक्ट बताओ मुझे तो, सर्टिफिकेट दो। तो वो तो देखो जब आप फेस टू देने जाओगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, और तभी आपका क्लियर होगा तो वही आपका चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो मैंने नॉर्थ रीजन का आपको बता दिया कि कैसा कैसे है ना, आप लोगों ने आई थिंक समझ आ गया होगा। और आपका देखो कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब आगे देखो मैं बात करूँ आपको कि मैं बात कर लेता हूँ साउथ वाले रीजन की। साउथ वाले रीजन में देखो साउथ के अंदर मैं आपको गुवाहाटी को भी उसी में इंक्लूड करूँगा, सिकंदराबाद को भी, बेंगलोर को भी, ठीक है। और जो है आपका ताम्बरम इस बार शायद है नहीं, है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ताम्बरम है, बैरकपुर है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, सर भोपाल तो आ गया ना ऊपर, ये आ गया, ठीक है, और भोपाल भी तो हो गया ना, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बैरकपुर और भोपाल और ताम्बरम, बी पर चार हो गए, चलो कोई नहीं। तो अब देखो इनका सीन ऐसा है कि मैं देखो दो सेंटर्स लूंगा सबसे पहले, तो सब मिक्सअप में ना करूं, मैं सबसे लूंगा गुवाहाटी और सिकंदराबाद। ये दो जो सेंटर है ये काफ़ी सिमिलर है। सिमिलर कैसे? जो गुवाहाटी वाला है भाई वहाँ पर देखो अगर आपको फिजिकल में
फिजिकल आपका वीक है, जैसे आपके साथ साथ टाइमिंग आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार फिजिकल नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल है, तो आप गुवाहाटी सेंटर प्रेफरेंस करें, गुवाहाटी डालें और सिकंदराबाद डालें। आपको लगता है कि पुशअप्स नहीं हो पाती, मुझे मुश्किल है थोड़ा पुशअप्स करना, गुवाहाटी और सिकंदराबाद डालें, ठीक है ना। आपसे सिटअप्स वगैरह होल्ड नहीं होता तो आप गुवाहाटी और सिकंदराबाद डालें। समझ आ गया आप लोगों को कि फिजिकल बहुत ही लो रहता है कहाँ पर, साउथ सेंटर्स के अंदर। ताम्बरम डालें अगर आपको ऐसा है तो सीम, ठीक है। भुवनेश्वर डाल सकते हैं, बैरकपुर डाल सकते हैं, भोपाल डाल सकते हैं और बेंगलोर डाल सकते हैं। ये सीन आपको याद रखना है कि अगर आपका रनिंग, पुशअप्स और फिजिकल में और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो। जीडी, अगर आपको जीडी में दिक्कत है कि नहीं यार जीडी के लिए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप गुवाहाटी डालें, सिकंदराबाद डालें, भोपाल डालें, बैरकपुर डालें, भुवनेश्वर डालें, और जो है आपका भोपाल, भुवनेश्वर, बैरकपुर और जो है ताम्बरम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जीडी का हो गया कि जीडी के अंदर आप लोगों को जो है अगर आपको दिक्कत है कि ऐसे लगता है कि नहीं यार इंग्लिश नहीं आती मुझे, मैं कैसे बोल पाऊंगा, तो आप जो है जो मैंने अभी सेंटर बताए साउथ वाले वो सेंटर्स आप डालें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की कि साउथ वाले सेंटर्स पर मेडिकल कैसा होता है। देखो भी मेडिकल यहाँ पर जो है बड़ा ही वाहियात होता है। गुवाहाटी ऐसा सेंटर है कि यहाँ पर अगर आपको ECG ऐसा पॉइंट मिल गया आपका BP का क्लियर करने का चांस ही नहीं है। ये आज से नहीं है, ये जो है एयरमैन की एयरमैन का होता था जब रिक्रूटमेंट, तब से है ये चीज, ठीक है ना। तो गुवाहाटी है आपका, सिकंदराबाद है, बेंगलोर है, ऐसे सेंटर्स हैं ये कि यहाँ पर अगर आपको ECG वगैरह का कुछ पॉइंट, हालांकि ECG का सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है आपको गुवाहाटी के अंदर और एक थोड़ा हल्का सा सिकंदराबाद में मिलता है। बट अब देखो रिव्यू ऐसा है कि जो आपका 2024 वाला इंटेक था अभी, उसके अंदर मैक्सिमम बंदे जो है आपके सिकंदराबाद से रीमेडिकल क्लियर किया था बंदों ने, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिकंदराबाद बेकार हो गया। ये मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को, थोड़ी देर पहले बोली थी ये चीज़ मैंने कि आप लोगों को केवल जो लोग बोलते हैं उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों का लक होगा और अच्छी चीज़ें होंगी तो आप बिल्कुल जिस भी सेंटर पर आपके लिए डालेंगे वहाँ से भी क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज तो आप कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो, हल्का सा आपको देखो मैं आइडिया दे रहा हूँ, इस वीडियो से आइडिया मिल रहा पा रहा है। अगर आपका फिजिकल वगैरह वीक है तो आप गुवाहाटी सिकंदराबाद ये डालें, अगर आपका फिजिकल ठीक है मेडिकल में आपको लगता है तो आप जो है अपना नॉर्थ वाले सेंटर से डालें, ठीक है ना। अब मैंने गुवाहाटी का बता दिया आपको, मेडिकल वाहियात है, सिकंदराबाद का ही बता दिया। अब देखो भुवनेश्वर, बैरकपुर, भोपाल और बेंगलोर, ये चार हो गए। तो देखो चार का बिल्कुल डिटो सेम है। मेडिकल देखो इनका बिल्कुल वाहियात है, मेडिकल का आप ध्यान में रखना, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप यहाँ पर मेडिकल क्लियर ही नहीं होगा। मैंने ये चीज़ बोली है आपको कि ECG वगैरह ऐसा कुछ अजीब पॉइंट मिलता है तो वो यहाँ पर क्लियर होना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे आपका भुवनेश्वर है और बैरकपुर, यहाँ पर जो है पिछली बार भी बहुत सारे 2024 का इंटेक था, सेकंड बैच था, उसके अंदर री मेडिकल बहुत बंदों, कम बंदों का क्लियर किया था इन्होंने। अब पता नहीं क्या रीज़न है, क्या मेडिकल क्लियर करते हैं इनका आइडिया नहीं है। बट अगर मैं अम्बाला इनकी बात करूँ, यहाँ पर आई का पॉइंट भी क्लियर होता है बहुत ज़्यादा, आपका ECG वगैरह जो भी आपका होता है वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं। अब आपको जैसे वेरिकोसील है आपका, कैरी एंगल है, ऐसे पॉइंट है देखो, वो तो आपका किसी भी सेंटर पर चल जाना, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर क्लियर नहीं होंगे। बट जैसे आपके ECG नॉर्मल पॉइंट है वो आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई आप लोगों को आइडिया मिल गया है कि भुवनेश्वर, बैरकपुर, इनके अंदर थोड़ा सा मेडिकल की दिक्कत है और आपका फिजिकल और पुशअप सेटअप ये बिल्कुल नॉर्मल होंगे, हलवा की तरह, मतलब आप ऐसे आराम से क्लियर कर लोगे। तो भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसके हिसाब से आप कर लेना। और कोई आपको और स्पेसिफिक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ये टेलीग्राम चैनल हो वाई योद्धा ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।